हाँ भाई ये देखो भाई, मशीन खोल रहा था, मशीन पाड़ने की तैयारी में था और मौके पे आ गए दो इन भाइयों ने और हमने इसको पकड़ लिया है। सदर बाजार चौक की फोन कर दिया है, आप दो मिनट में पुलिस आती होगी। बस ईट में लेके जा रहा था, यूं तो ईट भी लेके जा रहा था। ओ कई तरीके हैं ना इन्हें खोलने के। फोन किसको कर रहा है? सदर बाजार कर दिया। 112 पे कर रहा है, वैसे कर रहा है प्राइवेट करा चौंकी में चल दिया। चौंकी में प्राइवेट नंबर से कराया, 112 पे कराया चौंकी में। अरे जट जा यार, चोद सारे तब रातों रात अमीर बनने की सोच रहे हम दाढ़ी में चोरी। अरे नाना नहीं, अब क्या गलती मान रहा है? कर ले हाथ तला कर ले नाना। ठीक है बेचारा, बोल फिर करेगा ऐसे काम? अरे बेटा इसके अंदर भी क्या, अपनी माँ पाड़ ली तरह सड़े। नहीं कैमरे तो इसके अंदर भी लग रहे होंगे, कैमरे तो इसके अंदर भी हैं बेटा। तो आ गया, अब भागेगा कहाँ? अरे खोल दिया वो तो, मशीन पाड़ दी। बंद, एक मिनट साइड जो वीडियो बन रही है अभी, थोड़ा मोबाइल का भी कवर कर रखा हुआ है। फिर तो नहीं कर रहा है ये, क्या कर रहा था? हाँ छोड़ दे ना ना, रुक जा। कर दिया भाई सारा कुछ, कर दिया एक मिनट रुक जा, आने लिए होंगे। वो आ गई आ गई आ गई आ गई। अरे थोड़ी मर लो ना यार, आ गए आ गए आ गए आ गए। अरे मैडम आ गई यार, ये तो बड़ी गंदी। इधर हो जा, इधर हो जा, इधर हो। हाँ जी मैडम जी नमस्कार जी, ये देखो मशीन पाट दी इसने एकदम। बंदे ने कितना छातिर बंदा, माफी मांग रहा, खोल दी बांदर से। छोड़ दे भाई, गेट अभी बंद करा इसने, छोड़ दो भाई। बतावे कैसे खोल ली, पूछो सारी क्या हाल है भाई साहब? फिर तो नहीं कर रहा है ये, क्या कर रहा था? हाँ छोड़ दे ना ना, रुक जा। कर दिया भाई सारा कुछ, कर दिया एक मिनट रुक जा, आने लिए होंगे। वो आ गई आ गई आ गई आ गई। अरे थोड़ी मर लो ना यार, आ गए आ गए आ गए आ गए। अरे मैडम आ गई यार, ये तो बड़ी गंदी। इधर हो जा, इधर हो जा, इधर हो। हाँ जी मैडम जी नमस्कार जी, ये देखो मशीन पाट दी इसने एकदम। बंदे ने कितना छातिर बंदा, माफी मांग रहा, खोल दी बांदर से। छोड़ दे भाई, गेट अभी बंद करा इसने, छोड़ दो भाई। बतावे कैसे खोल ली, वे पूछो सारी क्या हाल है भाई साहब? रेलवे मौके पे पुलिस ने आकर जो मशीन को उखाड़ रहा था उसको मौके पर ही पुलिस ने काबू कर लिया है। सदर बाजार चौकी की देखो कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करी है कि भाई वारदात होने से पहले ही चोर को दबोच लिया है। ये हमारी चौकी इंचार्ज मैडम जो लगी हुई है, इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है। जो सुखविंदर सिंह या साई मैडम जी लगी हुई है, इनके एरिया में कोई भी ऐसा घर का उन्होंने काम नहीं होने वाला, उससे पहले ही खुला पड़ा वो काबू कर लेते हैं। मशीन का डोर खुला पड़ा है, डोर खुला पड़ा जी, मशीन सारी खोल दी थी ना, तो पैसे काट रहे थे तो हमने पकड़ लिया, दबा लिया। ये हमारे जय भगवान जी आए थे, इनकी सामने दुकान है जी, बिल्कुल आईटीएम एटीएम के बिल्कुल सामने। इन्होंने एकदम से फोकस करा।
है इस चीज के ऊपर? भाई एकदम है ना, ये मशीन खोल दी है और कैसे निकालने लग रहा है। मैं अपनी दुकान से आया, फिर इसकी वीडियो बनाई और पुलिस को फोन किया और मौके पे आकर पुलिस ने इसको राउंड अप किया। अब जो भी आगे कार्रवाई होगी बहुत बढ़िया। तो ये आप देख सकते हैं, यही वो ATM है, ICICI बैंक के ATM। और किस प्रकार से रात के अभी 10:30 भी नहीं बजे थे और चोर यहाँ पर जो है ATM मशीन से पैसा उड़ाने की कोशिश जरूर करते हैं। और ये जय भगवान है, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने रात को उनको देखा और तुरंत जो है उनसे पूछताछ की। आप देख सकते हैं इनके फूलों की दुकान है, जय भगवान से बात कर रहे थे। जय भगवान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें, रात 10:30 बजे और चोर जो है ATM मशीन से पैसे चुराने लगते हैं? मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से नमस्कार और गुड मॉर्निंग कहता हूँ। बाकी कल मैं 10:30 बजे के करीब में मैं दुकान पर बैठा था, तो एक ATM चोर आया। चोर ने एकदम मशीन खोल दी। मैंने कहा ये ATM वाला तो लग नहीं रहा, कोई ना कोई चोर ही लग रहा है। तो ऐसे करके ने देखा, जो उसकी गतिविधि हालात बताए, तो फिर उन्हें एक बार फिर जाकर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। जब वो कैश निकालने की तैयारी था, फिर मैंने एक लड़के को कहा भाई साहब इसको एक बार पकड़ना और मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ। फिर मैंने सदर बाजार चौकी में फ़ोन किया। अच्छा। और तुरंत आगे मैडम ने और 2-4 और जवान आए, तो उनको फिर राउंड अप कर लिया और उनको चौकी ले गए। उनका मुकदमा दर्ज कर दिया है। उन्होंने ये बताया कि उन जो हैं 5-6 चोर और भी हैं उस गैंग के, तो एक ही नंबर की पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल वगैरह है और जो है सभी 11 नंबर की जो टी शर्ट पहने हुए हैं। तो फिर उस हिसाब से उन्होंने मैडम ने BT कर दी थी और हमने उसको सूचना दी पुलिस में। भाई जो है पब्लिक ने भी अगर मान लीजिए प्रशासन का सहयोग और साथ देना चाहिए, भाई अगर कहीं कोई क्राइम हो रहा है, कहीं ऐसा अंदेशा है, तो तुरंत मतलब पुलिस को सूचना देनी चाहिए। भगवान जी, आप यहाँ पर जो है आप अपनी दुकान यहाँ पर लगाते हैं, आपकी फूलों की दुकान है, क्या लगता है अगर मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट कितने बजे बंद हो जाती है? मार्केट तो यहाँ पर 8:30 बजे बंद हो जाती है। स्मार्ट सिटी है, हालांकि आप ये देख सकते हैं दोस्तों, जो कैमरे हैं वो जरूर लगे हुए हैं, चौक चौराहे पर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन चोर बेखौफ होकर चलते हैं। चोर तो जी बेखौफ होकर चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोताही तो सरकार की भी है। अब जितना जैसे कि क्राइम बढ़ रहा है, पहले जैसे कहते थे अनपढ़ लोग हैं, इतने देश विदेश में नहीं जाने वाले, कोई सिस्टम ही नहीं था, घोड़े तांगे चलते, तब क्राइम कम था, शांति भी थी। अब शांति इतनी बढ़ती जा रही है कि समझ नहीं आ रहा, पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी इतने झगड़े हैं, इतना महाभारत हो रही है इस देश के अंदर, अशांति है, शांति है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं जय भगवान है। फिलहाल जो है कितने पैसे उनसे बरामद हुए, कोई पैसे बरामद हुए उनसे? पैसे तो वो निकाल नहीं पाया जी, उसको हमने ATM में बंद कर दिया। अच्छा। बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी और मौके पर उसको पकड़वा दिया। हाँ। वो तो बैग भरने की तैयारी में था। अच्छा। वो निकल जाता जी, वो हमने एक तो लड़के को भी गेट पकड़ ले और हमने सूचना दे दी पुलिस के ऊपर। तुरंत आगे उम्र होगी करीब 28-30। कोई पहचान हुई है कहाँ का रहने वाला? नौजवान है, हाँ पंजाब का बता रहा है जी, और उसके साथी और भी 4-5 लोग बताए जा रहे हैं। भाई मतलब वो रामनगर इधर उधर की और कल फैल गए थे और कई वो वारदातों को अंजाम देंगे अभी, तो फिर भी अगर जब पुलिस हमारी जो अलर्ट रही तो उनको राउंड अप पहले ही कर लेगी। नहीं मैं तो दुकान के अंदर ही बैठा था, हमारा एक पंखा ख़राब हो गया था ऊपर का, वो लगवा रहे थे और कारीगर मिस्त्री ज़रा लेट आया, तो उस करके मैंने देखा इसकी जो गतिविधि लोकेशन ठीक नहीं है, बंदा लगता चोर है, तो इसलिए हमने पुलिस को सूचना दे दी। एकदम फटाफट ये काम हो गया। आप ये देख सकते हैं दुकानदार हैं जय भगवान और फूलों का काम करते हैं, हालांकि दुकान बंद थी लेकिन दुकान के अंदर कोई काम करवा रहे थे, लेकिन बावजूद उसके अलर्ट रहे। आप ये देख सकते हैं स्मार्ट सिटी की अगर आप बात करें तो चौक चौराहों पर इसी प्रकार से कैमरे जरूर देखे जाते हैं और यही वो ATM है दोस्तों। ये देखिए जिसकी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, ICICI बैंक का ये ATM है और चोर जो है इस मशीन से पैसे उड़ाने की जो एक उनका शातिराना तरीके से पैसा उड़ाने की यहाँ पर जो है कोशिश जरूर की जा रही थी। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल न्यूज़24।